गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस अभी एक ब्लॉग खत्म किया है, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, चेंज करके नहा के अच्छे से रेडी होके, और जो शॉपिंग है आज की, जो भी शॉपिंग हम लोगों ने की है वो आज दिखाती हूँ आपको, सारी की सारी आपको दिखाऊंगी, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। और बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की है यार आज, मतलब दिल खुश हो गया शॉपिंग करके, और बहुत ही अफोर्डेबल शॉपिंग की है, तो क्योंकि होलसेल मार्केट से की है तो अफोर्डेबल होगी। और कुछ लाना था हमें, बट वो हुआ ही नहीं लाना क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे हम लोग। ये देखो चेक कर रहे थे कि ये मशीन स्टार्ट होगी या नहीं, क्योंकि वो जो ड्रिलिंग मशीन है ना हमारी, वो काफ़ी दिनों से पड़ी थी कबाड़े में, तो इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अभी ये चेक कर रहे थे, थोड़ा तो स्टार्ट हो गई है ना, हो गई ना। तो काफ़ी चीज़ें लाई है मैंने, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद क्या क्या लाया है। उसके लिए ड्रिल करना था, तो इसीलिए वो चेक कर रहे थे ड्रिल मशीन अच्छे से है या नहीं है। आओ ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। इससे पहले भी बारिश हुई थी बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लगता है, क्योंकि हम लोग आए थे ना तो बहुत ही मेस हो गया था घर पर। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इन्होंने सब कुछ उठा के रखा शायद, यार बहुत ही ज़्यादा मेस था यहाँ पर। मैं अंदर का कर रही थी तब तक इन्होंने बाहर का कर लिया। चलो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अब। देखो ये जो मैंने डीमार्ट से डस्टबिन लाई थी ना, तो ये अभी रखने का टाइम आ गया है इसे, अब इसमें गार्बेज बैग लगा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी तक इसे रखा इसलिए नहीं था कि कचरा बहुत हो रहा था और उसके अंदर फिर खराब हो जाती है ये, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो ये पूरा क्लीन करके ही इसे अच्छे से रखूंगी, पूरा घर क्लीन होने के बाद, तो अभी इसका टाइम आ गया है रखने का। तो चलिए अभी रख देते हैं ये बेसिन के नीचे वाले सेक्शन में, यहाँ पर मैंने स्टैंड लगवाया था, यहाँ पर स्टैंड लगवाया था मैंने, यहाँ पर रख देती हूँ ये नीचे। और ये जो इसमें पुरानी वाली थी मेरी, तो अभी ये क्लीन कर लिया है और पुरानी वाली निकाल दी है, तो अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन करना है इसे, अब अच्छे से सेट करना है। तो गाइज आज की शॉपिंग दिखाती हूँ आपको, क्या क्या शॉपिंग की है मैंने आज। आज ना हम लोगों ने घर और बाथरूम के लिए ही लाया है, तो ये देख नैपकिन होल्डर है और उसके बाद ये टॉयल होल्डर है बाथरूम के लिए, तो ये लाए हैं आज, ये तीन लाए हैं, एक उधर वाले बेसिन के पास और ये हम दोनों के बाथरूम में ऊपर वाले, और उसके बाद ये हम दोनों के बाथरूम में टॉयल होल्डर लाया है, रॉड जो बोलते हैं उसको, वो है। उसके बाद आज लिया है ये वाला, ये आपको पसंद आएगा पक्का, दिखाती हूँ आपको पूरा ओपन करके अच्छे से। ये देखिए ये एक्रेलिक का है, आपको लग रहा होगा ये ग्लास है, नहीं ग्लास नहीं है, एक्रेलिक है ये, तो ये इस तरह से शैम्पू रखने के लिए लाया है, और एक कॉर्नर भी लाया है उसी टाइप से, मतलब यही कलर में ये है कॉर्नर जो उसी टाइप में है, ये देखो इस तरह से ये कॉर्नर है। तो ये हम दोनों के बाथरूम में लगेंगे, एक माही वाले बाथरूम में और एक मेरे वाले बाथरूम में, तो दो दो लाया है दोनों भी। और उसके बाद मैंने जो दूसरी शॉपिंग की है वो आपको दिखाती हूँ, क्रॉकरी की शॉपिंग की है, ये वाली प्लेट्स, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखो जैसे समोसा या कचौरी, जैसे कुछ भी हम लोग स्नैक्स बनाते हैं, पकौड़े वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी ये प्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। और यहाँ पर चटनी रख सकते हैं हम लोग, सॉस रख सकते हैं, और यहाँ पर समोसा कचौरी रख सकते हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से मैंने ये ले ली, और 6 ले ली है मैंने। तो ये ना इस पर प्राइस लिखा हुआ है 63 रुपीज़, बट ये हमें 50-50 में मिली है ना, 50 रुपीज में ही मिली है ना, ये 60 में, 60 में एक, सॉरी 63 रुपीज लिखा है इस पे, बट 60 रुपीज में एक मिली है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये 6 ली है, और उसके बाद और दिखाती हूँ आपको क्या लिया है, तो और भी आपको पसंद आने वाला है सब। ये ली है, तो ये ऐसे कुछ प्लेटिंग वगैरह करने के लिए, कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो वैसे ही स्नैक्स वैक्स में बनाते हैं ना, तो यहाँ पर चटनी और यहाँ पर ये, तो ये एक ही ली है मैंने, ये भी पता नहीं ये कितने की है, ये 90 रुपए की, ये 90 की है ये। और उसके बाद लिए है ग्लास, जो डेली उसके जो ग्लास थे ना वो कुछ टूट गए थे उसमें से कुछ, ये तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं अभी फिर भी, बट ये ग्लास मुझे चाहिए थे थोड़ा सा हीवी वाले पानी के लिए, तो ये मैंने लिए है। ये ग्रीन एप्पल करके एक ब्रांड है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है इसमें,
और चाइना है यार, ये चाइनीज है ये। हाँ चाइना क्या है पता नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। ये है और ये 6 का सेट है, मतलब पूरा सेट ही लिया है ये। और उसके बाद ये कितने का मिला है, ये 250 का मिला है ये वाला। और उसके बाद क्या लिया है मैंने, इसमें क्या है, हाँ ये बोल्स लिया है मैंने, ये बोल का सेट लिया है। मतलब जो हमारा आपको दिखाया नहीं था, मैंने अमेजोन से मंगाया था, उसी टाइप में मैंने सिर्फ बोल्स और प्लेट्स लिए हैं। तो ये इस कलर की है, ब्लैक कलर की, मतलब ब्लैक कलर की इस पे डिजाइन है। तो ये सिर्फ 6 बोल्स है और 6 प्लेट्स है, तो ये रेगुलर यूज के लिए, क्योंकि सेट में से कुछ टूट जाता है ना तो फिर दिल दुखता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि रेगुलर यूज के लिए मैंने वही फिर सिंगल सिंगल ही प्लेट ले ली। और उसके बाद ये ली है मैंने प्लेट स्नैक्स के लिए, मतलब कुछ जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं तो नाश्ता वगैरह करते हैं उसके लिए, या कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं। इसमें हम लोग खाना भी खा सकते हैं, छोटी है बट थोड़ा सा कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ऐसे डिप है इसमें, ट्रांसपेरेंट वाली है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये भी। ये ली है, ये कितने की पड़ी, हमने ना थोड़ा सा लोकल मार्केट से लिए और वो जो शॉप है ना होलसेल है, इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा कम प्राइस में मिली है। ये कितने के मिले हैं, 350 में ही मिली है मुझे 6 प्लेट्स। और उसके बाद मुझे ना प्राइस नहीं पता है, क्योंकि बिल इन्होंने पे किया था तो इसीलिए मुझे प्राइस नहीं पता है। मैंने सिर्फ सिलेक्ट करने का काम किया और बिल इन्होंने दिया था, और मैं वो लैडर वाले शॉप में चली भी गई थी उस टाइम तक, मतलब ये जब तक बिल पे कर रहे थे पास में ही थी सारी। तो ये है वो प्लेट्स जो मैंने अभी कटोरी आपको दिखाई ना, जो बोल्स आपको दिखाया उसकी प्लेट्स है। तो ये प्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कि मुझे मैचिंग वाली ही कटोरी चाहिए, तो उन्होंने देखा तो फिर उनको मिल गई मैचिंग वाली, तो ये फिर उन्होंने दे दी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, ये रेगुलर यूज के लिए अभी काम आएगी। और वो तो डिनर सेट ऐसे ही रख देंगे वहां पर क्रॉकरी यूनिट में सजा के। तो ये है 6 प्लेट, ये कितने की पड़ी है हमें, हाँ इसका बिल नहीं है क्या, बिल ने फोन देखना देखना ध्यान से उसका, उसे ये ही नहीं पकड़ना बॉक्स। ये 140 के स्पून लिया है, देखो ये 600 कुछ रुपए की पड़ी है, 600 कुछ की है क्या, तो ये 140 रुपीस की है ना, 165 लिखा है बट इस पे 140 के दिए ना, 140 रुपीस के। और काफी अच्छे मतलब हेवी है स्पून्स, तो ये लिया है उसी शॉप से लिया है जो जिससे क्रॉकरी लिए है ये। तो ये हो गई मेरी आज की शॉपिंग। और लैडर वो तो आपको दिखाई दिया है, वो तो आपने देख ही लिया है पिछले ब्लॉग में कि लैडर लिया है हमने और क्या क्या लिया है, वो सारा पिछले ब्लॉग में देख लिया। तो बस ये थी आज की शॉपिंग जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। मेरी शॉपिंग कैसी लगी जरूर बताना मुझे कमेंट करके, मुझे भी पता चले कि आपकी कौन सी चीज इसमें फेवरेट है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ये सब कुछ लगा देंगे जैसे कि रॉड वॉड है वो सारी चीजें लगा देंगे ये, और उसके बाद वो जो हैंगर है नैपकिन हैंगर, तो वो भी लगा देंगे बेसिन के पास। तो आज लगा दो फिर, चलो 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 चलते हैं हमारे मिशन पे चलिए चलिए। अपना मिशन का नाम क्या रखेंगे, क्लीनिंग क्लीनिंग मिशन, साफ सफाई अभियान। चलो चलो यहाँ का पहले बता दो, दिल आ गया बोल रही है क्रॉकरी पे, अद्विक सोया है यहाँ पे, हाँ सारी चीजों पे जो भी मैं ला रही हूँ वो कर्टन्स बनवाने के लिए डाले है। खुश हो जाओगे आप तो, ऊपर से बेड से ऊपर जंप मारोगे, जंप मारोगे देखना टूट फूट ना जाए पैर। हाँ वही पे थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा देखना, अभी देख लो आप अभी, ये ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, हाँ टेढ़ा देखो थोड़ा सा बस, हाँ मार्कर से मार्क करो अपना वो, सीधा है कि ये देखो, हाँ सीधा है, हाँ बराबर है, सीधा ही है। तो अभी थोड़ा सा मार्क कर लो पेन से, वो पेन दे, ये सारा क्लीन करना ही है माही, ये पूरा का पूरा अभी यहाँ पर डस्ट होगा ही, तो इसी वजह से ये पूरा बाद में क्लीन कर लेंगे, अभी रखो। ओके।
और कर दो देखो। और ये सोप डिस्पेंसर भी लिया था उस दिन, मतलब लगवाया था उनसे कारपेंटर भैया से। अद्विक तो रेडी भी हो गया। अद्विक हम लोग कहाँ जा रहे बेटा? कटिंग करने। और आपकी कटिंग करना इम्पोर्टेंट है क्या? और अद्विक के साथ खेलने के लिए भी। आजी के साथ खेलने के लिए, मतलब दादी के साथ इसके। हाँ। मेरी दादी नहीं है, आपकी दादी। तो हम लोग मम्मी से मिलने जा रहे हैं आज मेरे गांव, और बस मिलके आ जाते हैं। आपका गांव दो है? हाँ, मेरे दो गांव है, मेरा एक ससुराल गांव है और एक मेरा मायका गांव है। और हाँ, आज और कुछ सामान लेना है, पहले मार्केट जाएंगे, उसके बाद फिर मम्मी से मिलने जाएंगे। एक्चुअली आज संडे है, तो थोड़ा सा संडे हम लोग जाते ही है हमेशा, संडे सैटरडे जाते ही थे। सैटरडे तो अभी इनको सैटरडे की छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से अभी आज संडे है, तो संडे जा रहा है हम लोग। और मम्मी से मिलके भी आ जाएंगे। अभी उस दिन उस टाइम से तो घर के काम चल रहे थे, तो मम्मी से मिलना ही नहीं हुआ, जाना ही नहीं हुआ हमारा। तो अभी थोड़ा सा फ्री हो गया है कामों से, मतलब फ्री, घर के काम तो है ही, बट कोई नहीं आने वाला है घर पे। घर पे कोई आता है, जैसे कि कारपेंटर आते थे तो घर पे ही रहना पड़ता था हमें, तो जाते हैं तो फिर हम लोग साथ में ही जाते हैं और साथ में ही मिलके आ जाते हैं। बस आधा एक घंटा रहेंगे और मिलके आ जाएंगे, क्योंकि बाकी का काम भी है घर पे आके करना है। तो उसे मिलने का मन कर रहा था, मम्मी की तबीयत भी नहीं देखी है इतने दिनों से। और मम्मी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मम्मी भूल गई थी, मम्मी का चश्मा है ना, मम्मी का चश्मा और वो क्या बोलते हैं जो क्या म्हणतात त्याला, पोथी म्हणतात, पोथी। तो वो मराठी में बोलते हैं पोथी, जिसे भगवान का बुक बोलते हैं, और वो पढ़ती है डेली मम्मी, तो इसी वजह से उनको वो चाहिए था, तो वो भी देके आ जाते हैं। तो और हाँ, इसकी कटिंग भी हमेशा, आपको पता ही है कि मैं ससुराल जाती हूँ तो इसकी कटिंग करके आती हूँ, और ये देखो कितने बाल बढ़ गए हैं, और काटने ही नहीं दे रहा था यहाँ से, तो कटवाता ही नहीं है वो, यहाँ पे जो भी सलून है वहाँ पर तो जाता ही नहीं है। मम्मा, हाँ, मेरे बाल तब कितने बढ़ गए थे, तब अमित भैया और तब कितने बाल बढ़ गए थे। हाँ, हमेशा हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो ही अद्विक की कटिंग होती है, तो आज अद्विक की हेयर कट भी होंगे। चलो फिर, अद्विक का नया लुक देखने के लिए मिल जाएगा आपको भी। हाँ, हाँ। चलिए चलते हैं। बस निकलते हैं, मार्केट जाते हैं पहले, उसके बाद फिर सब कुछ करेंगे। अरे ये एक मिनट, लॉक लेना बाकी। चलो जोशी मार्केट से कुछ सामान लेना है, मतलब कुछ शॉपिंग करनी है ऐसे लोकल मार्केट से, और फिर जाएंगे दूसरी चीज़ें लेने। यहाँ पर दोनों बाप बेटे वहाँ पर बैठे हैं गाड़ी में, और हम दोनों यहाँ पर आ गए हैं। शॉपिंग कर ली हमने, और बहुत सारी शॉपिंग की है बच्चों के लिए, मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लिया इतना, इनके लिए कुछ टी शर्ट लिए है, अद्विक के लिए टी शर्ट लिए है। जल्दी छोटे हो जाते हैं यार बच्चों के टी शर्ट, अद्विक के कितने सारे टी शर्ट छोटे हो गए अभी।
ये बोलो कि बच्चे ज्यादा जल्दी बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, टी शर्ट छोटे नहीं होते, सॉरी सॉरी सॉरी, टी शर्ट छोटे नहीं होते हैं। हाँ बेटा, मैं क्या करता हूँ अभी, क्या अभी टी शर्ट लंबा लेता हूँ। हाँ, और पूरा ये खींचता है टी शर्ट ऐसे ऐसे कर करके, चड्डी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यार इतने छोटे हो गए बच्चों के कपड़े सारे, तो इसी वजह से मैंने रेगुलर वेयर के लिए बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं। आज तो पूरी शॉपिंग वैसे मैं सारी ऑनलाइन करती हूँ अपने लिए और माही के लिए, बट आज तो पूरी की पूरी शॉपिंग इस लोकल मार्केट से हुई है। काफी दिनों के बाद लोकल मार्केट से शॉपिंग की, मुझे अच्छा लग रहा था, बट हाँ मैं निकलती नहीं हूँ यार, घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। और घर से बाहर निकलते तो अच्छा लगता है, बट मेरे ना पैर बहुत ज्यादा दर्द हो जाते हैं, मतलब इतना कि आपको क्या ही बताओ। कल भी वैसे ही हुआ था, आज भी वैसे ही हो रहा है। अभी खड़े रहना पड़ता है ना शॉप में, कितने देर तक तो खड़े रहे हैं हम लोग, देखते 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 थक जाते हैं शॉप में। और फाइनली शॉपिंग हो गई, ये देखो अद्विक की शॉपिंग, उसके बाद फिर पापा की शॉपिंग, ये और पीछे है दो, कहाँ है ये, हाँ, और हमारी हुई है अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग। सारी की सारी हमारे यहाँ का इतवारा बाजार, मतलब चोर मार्केट है ना ये, चोर बाजार ये पूरा, और इतना भर जाता है संडे के दिन ये वाला मार्केट। देखो पैदल नहीं चल सकते बिल्कुल भी, और गाड़ी भी नहीं घुसती है अंदर, तो यहाँ पर कहीं तो भी खड़े रखना पड़ेगा हमें गाड़ी। हाँ यहाँ पर पार्क कर दो, हमें लेने जाना है फैन, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मेरे रूम का जो फैन है वो भी खराब हो गया है, अचानक ही खराब हो गया सारी चीजें, तो वो भी खराब हो गया है, चल ही नहीं रहा। और बेडरूम का फैन, नीचे वाले बेडरूम का भी और ऊपर वाली बेडरूम का भी, दोनों लेने हैं। यहाँ पर आए तो ये होलसेल का जो शॉप है वो बंद है यार पूरा, मतलब ये मार्केट ही बंद है यहाँ का, ये पूरा होलसेल मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो यहाँ से ही हम लोग, जब हम लोगों ने घर बनवाया था तो सारी चीज़ें यहाँ से ही ली थी, तो इसीलिए ना यहाँ पर आया फैन देखने के लिए। और हाँ चल जाएगा, तो रहने दो ना, आज घर पे जाते हैं तो रहने देते हैं आज फैन वगैरह का, इतना कुछ ये नहीं है, अर्जेंट नहीं है वो, तो घर जाते हैं अभी। चलिए गाइस हम लोग निकल चुके हैं वहां से, मतलब घर से, और मम्मी की तबीयत अभी अच्छी है, आपसे मिलवा नहीं पाई क्योंकि घर पे गेस्ट है, इसी वजह से थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है सबके सामने, मतलब दीदी के कोई मायके वाले थे, तो इसी वजह से वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि मम्मी से आपको मिलवाऊंगी और क्या बोलते हैं तो उनकी तबीयत वगैरह कैसी है वो दिखाऊंगी आपको, तबीयत अच्छी है अभी, ठीक ठाक है मम्मी, सब कुछ अच्छा है। और हाँ यहाँ पर कब आएगी वो तो आपको पता नहीं, अभी कब आएंगे वो, अभी ये कोरोना वरोना का सब खत्म हो जाएगा तो लेके आएंगे उन्हें, बट अभी तो फिलहाल उनकी मर्जी है। हाँ, वो ये इनका मास्क पता नहीं कहाँ घूम कर दिया इन्होंने, इनका मास्क पता नहीं, और उनके पता नहीं अभी क्या है कि सिचुएशन अभी गांव वाँव में इतनी नहीं है जितनी हमारे सिटी में है, तो इसी वजह से सब लोगों ने ये सोचा कि वहाँ पर ही वो रहेंगे तो अच्छा है, इसलिए हम लोग फिर हम लोगों ने फोर्स नहीं किया, उनका आने का मन नहीं था, इस बार भी हम लोगों ने बोला उन्हें फिर आने का मन नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि चलो यार नहीं यहाँ पर सेफ नहीं रहेंगे वो, तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार जाऊँगी ना पक्का आपसे मिलवाऊंगी और उनकी तबीयत भी दिखाऊंगी। तो चलो हमारा भी मिलना हो गया, सबसे मिलना हो गया, अच्छा लगा वहाँ पर जाके, अच्छा ही लगता है वैसे तो। चलो फिर अभी फैन का देखते हैं, ओपन रहा फैन के, अगर ये शॉप ओपन रहता है तो हम वहां से फैन ले लेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। तो गाइज आते आते एक शॉप ओपन दिखा हमें, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं यहाँ पे फैन, और फैन यहाँ पे पसंद भी आ गया हमें, एक्चुअली ये देख रहे थे बट हम लोगों ने मैचिंग सोचा था लेने का कि रूम्स के थीम से हम लोग मैच ले ले, बट वो हमें अच्छे से मिला नहीं, एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए था, एक्चुअली
फैन का कैसा है, हम लोग जल्दी से बोर हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये दोनों पसंद आ गए थे मुझे, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे और उसी में मुझे उस एक के बजट में मुझे दो लेने थे, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर ये बजाज वाले ले लिए और ये भी अच्छे हैं। घर जाने के बाद आपको दिखा देती हूँ कि कैसे फ़ैन लिया है हम लोगों ने, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेने से भी फ़ायदा नहीं है, अभी तो इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है और उसमें ये फ़ैन का खर्चा ऊपर से आ गया, तो इसी वजह से हम लोगों ने एक के बजट में दो ले लिए और वो भी अच्छे है, जो हम लोगों ने लिए है ना वो भी अच्छे है, मुझे वो पसंद आ गए थे जो मैंने आपको दिखाए पहले दो, वो ओरिएंट के थे और महंगे थे, 5,500 का शायद एक था और हम लोगों ने 5,500 में ये दो ले लिए और अच्छे भी है, दिखने में भी अच्छे हैं और वैसे हवा भी बहुत अच्छे देते हैं, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लगने के बाद तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये ले लिए, अच्छे लगे मुझे ये भी, लुक वाइज भी अच्छे है और इन्होंने लगा भी दिए है तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो अद्विक की हेयर कट करा के लाई है, कितना अच्छा लग रहा है ना अद्विक अभी हेयर कट में, देखो ये पापा की जैसे की है, आर्मी वाली हेयर कट एकदम सेम टू सेम, देखो कितनी अच्छी हेयर कट की है, अच्छा लग रहा है वो अभी, देखो वो पूरे बाल अभी वो नहीं लग रहा है, क्या बोलते है तो कैसे अद्विक इधर इधर आना, इधर आना दो मिनट के लिए, तो वो बड़े बड़े हाँ करंट वाले नहीं लग रहे है एकदम, अच्छे लग रहे है, देखो अभी जेल वेल लगा के अच्छे से दिखेंगे आपके बाल जब आप अच्छे से रेडी हो जाओगे। हाँ हाँ चलो फिर, तो चले गाइस इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ आज भी क्योंकि पता है क्या, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ना तो मुझे आदत नहीं है ऐसे बाहर जाने की और ये चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसे बाहर जाती हूँ तो ऐसे थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, जाने आने में भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है घर पर आने के बाद हाथ पैर दर्द करने लगते हैं एकदम से, तो इसी वजह से मुझे अजीब सा ही लग रहा है अभी अभी, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे, कल के ब्लॉग में आपको कैंटीन का पूरा सामान दिखाऊंगी, सीएसडी कैंटीन से जो लाया है वो पूरा का पूरा सामान दिखाऊंगी कल आपको, और आप लोग आज के ब्लॉग पे कमेंट कर रहे हो कि कैंटीन का सामान नहीं दिखाया तो सॉरी डियर, मतलब मैं ना भूल गई एकदम से सामान, वो सारा सामान स्टोर रूम में पड़ा है ना तो इसी वजह से भूल गई आपको दिखाना, तो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, आज मेरा मन था दिखाने का आपको वो सब वाला सामान बट अभी मेरी कैपेसिटी भी नहीं है बात करने की और मूड भी नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, काफ़ी अच्छे से जो भी सामान मैंने भी नहीं देखा है अभी तक सामान, तो मैं आपको सारा आपके सामने ही ओपन करूंगी और सारा दिखाऊंगी आपको, आपको पता है क्या बोलने वाली हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।